नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। गढ़चिरौली जहाल नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नक्सली पर 2 लाख का था इनाम। बारह वर्षीय बालक का गला घोटकर की गई हत्या, बहन ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। और बाघ के अवयव तस्करी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जहाल नक्सली मंगरू मडावी को गिरफ्तार करने में गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार नक्सली पर 2 लाख का इनाम था। पुलिस उपविभाग अहेरी अंतर्गत आने वाले उपपोस्ट पेरमिली में मिली गुप्त सूचना के आधार पर पेरमिली जंगल परिसर में विशेष अभियान पथक गढ़चिरौली के जवानों ने नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया। इस बीच जहाल नक्सली मंगरू कटकू मडावी को गिरफ्तार करने में गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस नक्सली ने इससे पहले कई निर्दोष लोगों की हत्या की, साथ ही पोस्ट पर हमला करने के कई अपराध किए हैं। अति संवेदनशील मौजा विसामुंडी पोम के नारगुंडा तहसील भामरागढ़ का रहने वाला नक्सली मंगरू मडावी पेरमिली एलओएस में पेरमिली एलओएस के सदस्य पद पर भर्ती होकर ऑक्शन टीम मेंबर के रूप में कार्यरत था। साथ ही प्रतिबंधित दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन का वरिष्ठ कॉडर था। इस नक्सली पर 3 हत्या, 1 मुठभेद, ऐसे 4 गंभीर मामले दर्ज है। महाराष्ट्र सरकार ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा था। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक सोमय मुंडे, सहायक अपर पुलिस अधीक्षक समीर शेख समेत अपर पुलिस अधीक्षक अहेरी के नेतृत्व में की गई। कल हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसमें हमको ये पता चला था कि पेरमिली दलम का दलम सदस्य मगरू माड़ावी जंगल एरिया में, पेरमिली जंगल एरिया में है। वहाँ पर हमने अपने पार्टीज भेजे और वहाँ पे हमको ये मिला, इसको हमने वहाँ से अरेस्ट किया है। इसके ऊपर राज्य शासन ने 2 लाख का बख्शीश जाहिर किया था। उस एरिया में बहुत सारी घटनाएं करने में इसका सहभाग था। अभी हाल ही में हमारे बुर्गी आउटपोस्ट पे 2 राउंड फायर करने का जो गुनाह दाखिल है उसमें भी ये था। उसके अलावा बुर्गी के माजी उपसरपंच रामा तलांडी का जो मर्डर हुआ उसमें भी इसका रोल था। उस एरिया में होने वाले सिविलियन मर्डर्स, पुलिस पर एम्बुश लगाना, इस तरह का छोटा मोटा फायरिंग करना, उसमें ये काफ़ी सक्रिय रहता था। अभी हम इसको और पूछताछ कर रहे हैं तो और किस किस मामले में इसका सहभाग था वो हमको धीरे धीरे पता चलेगा। अनैतिक संबंध छिपाने के उद्देश्य से एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 12 वर्षीय मासूम भाई की हत्या कर दी। भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना नागपुर शहर के वाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत दुग्धामना परिसर में सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन एक बहन ही भाई की हत्या कर दे यह सोच भी नहीं सकते। लेकिन यह वाक्या नागपुर के वाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। एक बहन ने अपने अनैतिक संबंध छिपाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर 12 वर्षीय मासूम भाई का गला घोटकर हत्या कर दी, जिसके बाद वारदात को मारपीट तथा खुदकुशी बताने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने सख्ती बरतकर सच्चाई सामने लाई और आरोपी बहन स्नेहल सोनपिंपले को हिरासत में लिया गया। साथ ही उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार किया गया, साथ ही आगे की जांच जारी है। काल पोलीस स्टेशन वाडीला फोनद्वारे माहिती मिळाली, दुग्धामना येथे 12 वर्षाचा मुलगा घरी मरण पावलेला आहे, संशयितरित्या आहे अशा माहितीवरून आम्ही घटनास्थळी गेलो। दुग्धामना येथे घटनास्थळाची पाहणी केली, त्यामध्ये विचारपूस केलं। मृतकाची जी बहीण आहे हिनं सांगितलं की ती आणि तिचा भाऊ घरी होते। 2 वाजताच्या दरम्यान तिचा भाऊ दुकानामध्ये सेलो टेप आणतो म्हणून गेला आणि नंतर 2:45 दरम्यान धावत आला घरी आणि तो बेडवर झोपला। ताई मला वाचव असं म्हणून तो चित्तावस्थेत त्या ठिकाणी होता। तिच्या सांगण्यावरून आणि त्या घटनास्थळ आम्ही निरीक्षण केलं, त्याच्यावरून असं संशय निर्माण झाला हा काहीतरी घातपाताचा प्रकार आहे। त्याच्यावरून
पोलीस स्टेशनची डी बी पार्टी आणि मी वरिष्ठांना माहिती देऊन डी बी पार्टी रवाना केली शोधकामी म्हणजे काय प्रकार आहे यासाठी. आणि आमच्या चौकशी दरम्यान असं निष्पन्न झालं की जे मृतकाची बहीण आहे ती आणि तिचा बॉयफ्रेंड हे दोघं जण मृतकाच्या घरी संदिग्ध अवस्थेत मृतकांनी बघितलं, त्याच्यावरून हा मृतक घरी सांगेल या कारणावरून त्यांनी तिच्या बॉयफ्रेंडनी आणि मृतकाची बहीण याने दोघांनी मिळून स्कार्फनी त्याचा गळा आवडून त्याला ठार मारलं. दोन आरोपी आहे, एक 18 वर्षाचा आणि एक मुलगी आहे मायनर 16 वर्षाची आहे. आरोपीला आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे, पुढील तपास सुरू आहे. आरोपी काय तो 11वी मध्ये आहे, दोघे स्टूडंट आहे, शिकत आहे. बाघ के शिकार मामले में नागपुर और यवतमाल वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में वन विभाग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. नागपुर वन विभाग को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर हलदगांव टोल नाके पर बाघ के अवयव की तस्करी करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इस प्रकरण में और 2 आरोपी शामिल होने का संदेह होते यवतमाल वन विभाग ने नागपुर यवतमाल वन विभाग के संयुक्त पथक तैयार कर जाँच मुहिम शुरू की गयी. इस दौरान आरोपी द्वारा बताई गई जगह मौजा कीटा खापरी कक्ष क्रमांक 469 में बाघ की हड्डियां और नख जब्त कर पंचनामा किया गया. मंगलवार को वर्धा में ईद मिलाद के अवसर पर शहर में मुस्लिम बंधुओं ने जुलूस निकाला. कोविड काल में पहली बार जुलूस निकालकर खुशी जाहिर की. मंगलवार को ईद मिलाद के अवसर पर सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच मुस्लिम भाइयों ने जुलूस रैली निकाली गई. इस रैली में शहर के सभी मुस्लिम भाई शामिल हुए थे. यह जुलूस नारेबाजी करते हुए वर्धा के गोल बाजार, अंबिका चौक, झंडा चौक, दुर्गा टॉकीज परिसर से बजाज चौक, सोशलिस्ट चौक होते हुए शहर के जामा मस्जिद पहुंची. इस दौरान सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी. इस जुलूस में बड़े पैमाने में मुस्लिम बंधु उपस्थित थे. कश्मीर में पिछले 8 से 10 दिनों से शुरू आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. आप युवा आघाड़ी विदर्भ कार्यकर्ताओं ने सभी शहीदों को नमन किया. कश्मीर में मोदी सरकार द्वारा धारा 370 लागू करने के बाद से ही कश्मीर में आतंकी हमले और बढ़ गए हैं. वहीं पिछले 8 से 10 दिनों में कश्मीर में आतंकी हमले जारी है, जिसमें अब तक भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हो गए, जिस कारण नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ है. मोदी सरकार द्वारा कश्मीर में नागरिकों को संरक्षण देने का आश्वासन असफल रहा. इन हमलों में कई हिंदुओं ने जान गंवाई है. वहीं आम आदमी पार्टी युवा आघाड़ी विदर्भ संयोजक पीयूष आकरे के नेतृत्व में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई. पीयूष आकरे, आम आदमी पार्टी युवा आघाड़ी राज्य समिति सदस्य. आपल्याला माहितच आहे की काश्मीर मध्ये गेल्या 2 आठवड्यापासून आतंकवादी हल्ले होऊन राहिले आहेत. त्याच्यात आपले काही सैनिक जवान शहीद झाले आहेत, तर काही आपले हिंदू बांधव शहीद झाले आहेत. तर आणि आपल्याला हेही माहिती आहे की काश्मीर जे आहे ते केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामध्ये मोदी सरकार आणि अमित शाह तिथे त्यांचं हे आहे, त्यांनी दावा ठोकून म्हटला होता की काश्मीर आज हमारे हाथ में है, अब हिंदू सुरक्षित है. अब हिंदू कहां सुरक्षित है, जिस काश्मीर में दो हफ्तों से जो आतंकी हमले हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें हिंदू कहां सुरक्षित है? हमारा हिंदू खतरे में है और इसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार, अमित शाह और मोदी जी है. उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया, अदरवाइज वो लोग हमें राजीनामा देना चाहिए. अमित शाह और मोदी जी अब कुछ नहीं कर सकते. जो छाती ठोक के ये लोग हिंदू करते हुए आज सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के चलते आज हिंदू हमारा खतरे में आ गया है. हिंदू भाई बहन हमारे खतरे में आ गए हैं. मोदी जी ने और अमित शाह ने राजीनामा देना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर,
मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश। पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोजगार बढ़ाने के संबंध में विविध विषय को लेकर विधायक परिणय फूके ने माइंस अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा भी की गई। भंडारा के विधायक डॉक्टर परिणय फूके ने सोमवार को तुमसर मुहाड़ी तहसील का दौरा किया। इस दौरान माइंस मैनेजर सचिन रामटेके और चिकली माइंस मैनेजर योगेश भाटी से डोंगरी माइंस के विश्राम गृह में भेंट दी। स्थानीय युवक और बेरोजगारों के रोजगार संबंध में विविध विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही CSR फंड के माध्यम से परिसर में हॉस्पिटल बनाने के लिए अधिकारियों से चर्चा की। CMD चौधरी से मुलाकात कर आगे भी चर्चा करने की बात विधायक परिणय फूके ने कही। इस दौरान पूर्व सांसद शिशुपाल पटले, नगर अध्यक्ष प्रदीप पडोले, भाजयुमो जिलाध्यक्ष तिलक वैद्य, जिलाडले उपाध्यक्ष मुन्ना पुंडे, भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद जायसवाल, नगर सेवक सचिन बोपचे, जिला सचिव शुभम चौधरी समेत नागरिक उपस्थित थे। आज इथे गोबरवाईला ते चिकला माइन्स आणि जे मॉइलचे जे दोन्ही माइन्स या संदर्भात आम्ही इथे एक बैठक घेतली आणि इथील जे अधिकारी आहे, दोन्ही माइन्सचे जे इन्चार्ज आहे, त्यांच्यासोबत बैठक घेऊन या भागातील ज्या समस्या होत्या, विशेष करून इथे मोठ्या प्रमाणात जे बेरोजगारीची जी समस्या होती, या मॉइलमध्ये काही ज्या अनियमितता होती त्या संदर्भात, काहीच्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांना, डेली वेजेसवाल्यांना ज्या त्रास होतो किंवा ठेकेदारांकडनं जो त्रास होतो त्या संदर्भात, किंवा एक विषय आणखीन होता की इंच्या ज्या हॉस्पिटलमध्ये म्हणजे जे मॉईलचं जे हॉस्पिटल आहे याच्यामध्ये आजूबाजूच्याही गावातील नागरिकांना, लोकांना त्या हॉस्पिटलची सोय उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातही आम्ही चर्चा केली आणि असा एक भरपूर साऱ्या गोष्टींवर चर्चा इथे केली आणि खूप साऱ्या याच्यावर मार्गसुद्धा निघाला। निश्चितच ही एक मीटिंग याच्यानंतरही परत CMD जे नागपूरला बसतात, CMD साहेब, त्यांच्यासोबतही मी या संदर्भात मीटिंग घेणार आहे। नागपुर शहर में दिन ब दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। वही तहसील पुलिस ने 2 चोरी की घटनाओं में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तहसील पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। नागपुर के तहसील पुलिस थाना अंतर्गत 2 चोरी की वारदात सामने आई है। इन दोनों मामलों का खुलासा कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार विश्वास नगर जरीपटका निवासी शिकायतकर्ता दिलीप पंजवानी ने सूत मार्केट राणा बिजनेस मार्केट में अपनी 2 पहिया गाड़ी रखी थी, जहां से आरोपी गाड़ी चुराकर फरार हो गया। इस मामले की शिकायत आरोपी ने जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी चेतन उर्फ चैतन्य मौदेकर को गिरफ्तार कर उससे 15,000 का माल जब्त किया। वही दूसरी घटना में शिकायतकर्ता अनिल शुक्ला किराए से रहने के लिए दूसरी जगह जा रहे थे, इसलिए सामान शिफ्ट करने के लिए उन्होंने 3 मजदूरों को बुलाया था। उस बीच उन 3 लोगों में से एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को नीचे खड़े रहकर अलमारी पकड़ने के लिए कहा, हालांकि बहुत देर होने के बाद भी वे नहीं आए, जिससे आरोपी को संदेह हुआ, जिसके बाद ऊपर जाकर जब उन्होंने देखा तो अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। इसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने तहसील पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुरेश प्रजापति को गिरफ्तार कर उससे कुल 92,500 रुपए का माल जब्त किया। दिनांक 9/2/2021 को जरीपटका निवासी दिलीप दर्शनलाल पंजवानी सूत मार्केट में आए थे। उन्होंने सूत मार्केट अपनी एक्टिवा गाड़ी MH49Q08297 पार्क की थी। जब वो वापसी घर जा रहे थे शाम को, तब उनको सूत मार्केट में गाड़ी दिखी नहीं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 888/21 कलम 379 दर्ज था।
हमारे मार्गदर्शन में क्राइम पीआई एड़गे, एपीआई बागुल, हेड कांस्टेबल शाहू कुशराम इस गुंडे की तलाश कर रहे थे। तब उन्होंने इस गुंडे में आरोपी चैतन्य उर्फ चेतन गंगाधर मौंदेकर उम्र 25 साल नंदनवन झोपड़पट्टी पीएस नंदनवन इसको हिरासत में लिए और उसको पूछताछ करने के बाद आरोपी ने इस गुंडे में चुरा के लेके गई एक्टिवा गाड़ी MH49Q08297 कबूल किया और रिकवर हो गई, 15,000 की गाड़ी रिकवर हो गई। साथ ही सितंबर अगस्त महीने में पुलिस स्टेशन तहसील में घरपोड़ी के दो गुंडे दाखिल थे, अपराध नंबर 735/21 कलम 457-380 भादवी और अपराध नंबर 752/21 कलम 457-380 भादवी, ये दो गुंडे डिटेक्ट कर दिए। आरोपी ने इसी गुंडे चोरी किए की कबूली की और माल रिकवर कर दिए। इस प्रकार आरोपी चेतन उर्फ चैतन्य गंगाधर मुंदेकर उम्र 25 साल नंदनवन इसके तरफ से 3 चोरी के गुंडे डिटेक्ट होकर मार रिकॉर्ड किया है। आरोपी को अभी विद्यमान कोर्ट में पुटअप किया जाएगा, उनका PCR लेके और उनकी तलाशी की जाएंगी। साथ ही कल खदान निवासी अमोल रामचंद्र शुक्ला उम्र 54 साल इनके घर से गोदरेज के अलमारी से मंगलसूत्र गोप अंगठी और मंचली चुरा के लेके गए थे, उसका भी तपास हमारे पथक ने किया। उसमें आरोपी सुरेश बाबूलाल प्रजापति उम्र 55 साल नाइक तला बांग्लादेश पुलिस स्टेशन पाचपाली को हिरासत में ले लिया और आरोपी से मंगलसूत्र मंचली बाली इस प्रकार कुल 92,500 रुपये का माल रिकॉर्ड करके वो भी गुंडा रिटेक हुआ है। मोबाइल फोन पर पॉर्न वीडियो देखकर 14 वर्षीय किशोर ने 4 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। यह घटना न्यू कामठी थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर किशोर को हिरासत में ले लिया है। विधि संघर्ष किशोर 9वीं कक्षा का छात्र है। उसके पिता रेलवे में कार्यरत है। स्कूल बंद होने के कारण परिजनों ने ऑनलाइन क्लास के लिए उसे मोबाइल दिया था। परिजनों की अनुपस्थिति में वह फोन पर पॉर्न वीडियो देखता था। रविवार की दोपहर माता पिता घर पर नहीं थे। किशोर ने अपनी 6 वर्षीय बहन से उसकी सहेली को घर पर खेलने के लिए बुलाने को कहा। बहन पीड़ित बालिका को लेकर घर पर आई। उसने अपनी बहन को टीवी पर कार्टून देखने को कहा और बालिका को भीतर के रूम में ले गया। वहां मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोने लगी तो किशोर घबरा गया। पीड़ित बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची। मां ने कारण पूछा तो किशोर द्वारा मारपीट किए जाने की जानकारी दी। बच्ची से पूछताछ में मां को घटना का पता चला। बच्ची के पिता को जानकारी देकर मां उसे पुलिस स्टेशन ले गई और किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर किशोर को थाने बुलाया। पूछताछ में पॉर्न वीडियो देखने की जानकारी सामने आई है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। अधिकतर केसों में अपराधी मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं। मनोविशेषज्ञ अयूब खान के मुताबिक छोटी बच्चियों को कभी घर में अकेला ना छोड़े, अकेले बाहर खेलने के लिए ना जाने दे, जहां तक संभव हो सके उसे अकेले किसी के घर ना भेजे। बीते दिनों नवरात्र के दौरान एक ग्रामीण इलाके में कन्या भोज के बहाने बुलाकर 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था। बच्चों को मोबाइल देते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि 60% केस इसी के दुरुपयोग से हो रहे हैं। कुही पुलिस थाना अंतर्गत डोंगरगांव शिवार में पुराने विवाद के चलते 16 नवंबर 2020 को 6 आरोपियों ने मिलकर 2 मित्रों की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसमें फरार अन्य 2 आरोपियों को पकड़ने में LCB की टीम को पूरे 1 साल बाद सफलता प्राप्त हुई। पकड़े गए दोनों आरोपियों का 19 अक्टूबर तक का PCR पुलिस ने प्राप्त किया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक कुणाल सुरेश चर्डे और सुशील सुनील बावने दोनों नागपुर के दिघोरी परिसर निवासी आपराधिक छवि के थे। इनका आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था। हत्या के दिन यानी 16 नवंबर 2020 को मौजा डोंगर गांव में मौका पाकर आरोपियों ने मिलकर धारदार हथियार और सीमेंट के कंक्रीट पोल से वार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद सभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए थे। घटना के बाद गांव में खलबली मच गई थी। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता लेते हुए हत्या के मुख्य सूत्रधार जागेश्वर उर्फ बालू सतीश दुधनकर नीलकमल नगर दिघोरी नागपुर, राहुल श्रावण लांबट बिड़गा
गांव नागपुर, निशांत प्रशांत शहारकर खरबी रोड शक्तिमान नगर नागपुर तथा अन्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस हत्याकांड में फरार आरोपी रोहित दत्तू पाटनकर नरसाला और अजिंक्य अशोक नागदव ने पार्डी नागपुर निवासी के बारे में एलसीबी की टीम को उनके घर में होने की गुप्त जानकारी मिली। सूचना के आधार पर एलसीबी की टीम ने रविवार को जाल बिछाकर इन दोनों को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई करने के बाद मामला कुही पुलिस थाने का होने से दोनों आरोपियों को कुही पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इन दोनों आरोपियों को रविवार को न्यायालय में पेश कर 19 अक्टूबर तक का पीसीआर प्राप्त कर लिया। इस हत्याकांड में शामिल मास्टरमाइंड बालू दुधनकर, राहुल लांबट, निशांत शहारकर और इनके अन्य साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनका पीसीआर भी लिया गया था, जिसके बाद इन सभी को नागपुर के मध्यवर्ती कारागृह में भेज दिया। इस कांड में दो आरोपी फरार थे, जिन्हें एलसीबी की टीम ने रविवार को धर दबोच। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।